कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि हमारी कहीं गलती होती नहीं है, लेकिन सामने वाला इंसान इतना अच्छा बनता है और हमें हर गलती के लिए ब्लेम कर देता है। उस सिचुएशन में हमारा उनके साथ रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है, वो इंसान हमसे डिस्टेंस बना लेता है और एट द एंड ऑफ द डे हम हर्ट होते हैं। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं और अगर आप उस इंसान से दूर होना चाहते हैं या उनके साथ अपना सेपरेशन बनाना चाहते हैं, उनके साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस रेमेडी को जरूर करना चाहिए। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपकी फैमिली का कोई हो सकता है, वो आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, वो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, इट कैन बी एनी वन। लेकिन अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं तो आज मैं आपको इसकी एक रेमेडी बताने वाली हूँ। तो सिचुएशन ये है कि आपकी कोई गलती है नहीं, सामने वाले ने आपको ब्लेम कर दिया, सामने वाले ने आपको हर्ट कर दिया और सामने वाला फिर आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। और वहीं आपके सिचुएशन में आपने उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी, रिलेशनशिप के टर्म्स में आपने सोचा कि आगे जाके आप मैरिज करेंगे, आगे रहेंगे, लेकिन बीच में ही उन्होंने अपनी रियलिटी दिखा दी। आई नो हम बहुत हर्ट होंगे, हम मेंटली बहुत ड्रेन हो जाएंगे, हम मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए करना क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, उन्होंने रियालिटी दिखाकर या उन्होंने हमें ब्लेम कर उनकी रियालिटी दिखाई है, उन्होंने उनका कर्मा खराब करा है। लेकिन हमारे पास अभी भी मौका है, हमारे पास अभी भी यू नो टाइम है कि हम चीज़ें स्टेबल करें। स्टेबल ऐसे ना करें कि उनके आगे गिड़गिड़ाएं, स्टेबल ऐसे ना करें कि उनके आगे बैक करें, स्टेबल ऐसे करें कि हम हमारी मेंटल हेल्थ सही करें और हम इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं। करना क्या है? जब भी आप रात को सोते हो, जब भी आप रात को सोते हो और आप चाहते हो कि भगवान मेरी यहाँ गलती नहीं है या मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ क्योंकि वो इंसान इस चीज़ को समझ नहीं रहा है और मैं अपने आप को बस यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, माइंड सेट में, माइंड में बहुत ज़्यादा उनके नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं, जो हमने गलत नहीं करा वो बातें भी माइंड में हॉन्ट होती हैं। तो आपको करना क्या है? आप चले जाइए अपने घर में, रात में सोने से पहले अपने टेरेस पे या एक ऐसी जगह जहां पर आपको घर में बैठना बहुत पसंद है, वो आपके घर का मंदिर हो सकता है या वो आपके यू नो घर का टेरेस हो सकता है, या जब आप रात को वॉक करते हो उस टाइम भी आप कर सकते हो। आप शांति से 10 मिनट लीजिए, ठीक है? आप ये अपने घर के मंदिर के सामने भी कर सकते हो या आप जो जगह मिले यार कर लेना, बस दिल से करना। आप उस जगह पर बैठ जाना और यूनिवर्स को यही बोलना, मेरा इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप था जहां पर मेरी कोई गलती नहीं थी, पर्सन ने मेरे पे रॉन्ग एलिगेशंस लगाए और वो मुझसे दूर हो गया। अब मैं ये चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, मैं इस इंसान को भूल जाऊं या मैं आगे बढ़ जाऊं, या सबसे अच्छी बात उस इंसान की रियलिटी सबके सामने आ जाए या उस इंसान को रियलाइज होना स्टार्ट हो जाए। ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि वो मुझसे माफी मांगे। अगर आप ये बोलोगे ना कि वो मुझसे माफी मांगे तो ये चीज और ज्यादा बढ़ती जाएगी। हमें अगर चीजें ठीक करना है, हमें चीजें हील करना है, तो हमें इस चीज में एक यू नो पॉजिटिव इंटरेक्शन लेकर आना पड़ेगा। अब वो कैसे लेकर आएंगे? आपको बस यूनिवर्स को ये इंटेंशन देना है कि मेरा सो एंड सो पर्सन के साथ रिलेशनशिप था जो इस वजह से खराब हुआ, उन्होंने मुझे ब्लेम करा जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप हैम्पर हो गया। अब मैं डिजायर करता हूं या मैं डिजायर करती हूं कि चीजें नॉर्मल हो जाएं, मेरे माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो सही हो जाएं, मैं अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करूं और ये पर्सन जिसने मुझे इतना हर्ट करा है, मैं इस चीज से बाहर निकलना चाहता हूं या चाहती हूं। बस आपको यूनिवर्स को इंटेंशन देना है और यही बोलना है डिवाइन कि आने वाले लाइफ में चीजें बढ़िया हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं और ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से रिलेशन खराब हुआ है ना, ये सब कुछ बढ़िया हो जाए। मैं किसी का कुछ गलत नहीं चाहता, मैं किसी का कुछ गलत नहीं चाहती, आपको ये जरूर बोलना है। नो मैटर उन्होंने आपको हर्ट करा है, उन्होंने आपका दिल दुखाया, ठीक है यार, कि उनका कर्मा है आपका नहीं। इस सेंटेंस को बोलने के बाद आप बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, होपोनोपोनो प्रेयर। आपको 11 बार होपोनोपोनो प्रेयर बोलना है और बस आराम से सो जाना है। आपको फील होगा धीरे धीरे आपका दिल उन्हें माफ कर रहा है, धीरे धीरे आप उन्हें फॉरगिव कर रहे हो, और जब आप उन्हें फॉरगिव करोगे उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं होता। जब आप उन्हें फॉरगिव करोगे आपका हार्ट हील हो जाएगा, जितनी रिस्ट्रिक्शंस, जितने झगड़े, जितनी नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है वो आराम से रिलीज हो जाएगी और आप धीरे 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 करके 10 दिन, 21 दिन, 3 महीने, इट टेक्स टाइम, क्योंकि रिलेशनशिप में हम एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो आप सब लोगों को ये प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। अगर किसी ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, किसी ने आपके साथ ब्लेम गेम खेला है, आपकी गलती नहीं भी थी पर उन्होंने आपको ब्लेम कर दिया है और आप चाहते हो कि उनकी रियलिटी सामने आए या चीज आपके फेवर में आए, आपको ये प्रेयर जरूर करना चाहिए। सेम थिंग हैपेंड विथ मी, मैंने भी बस अपने आप को हील करा। मुझे पता था कि उस रिलेशनशिप को हील करके कुछ नहीं होना क्योंकि सामने वाले के दिमाग में ऑलरेडी एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना हुआ है। एंड लेट कर्मा हैंडल, मैं क्यों टेंशन लूं यार, भगवान ने यहां भेजा है तो भगवान ही सब ठीक करेंगे, मैं क्या करूं।
तो मैंने तो कर्मा पे छोड़ दिया और बस यही बोलो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. आप एक पॉजिटिव हीलिंग महसूस करोगे और ऑटोमेटिकली आपके फेवर में चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी और माइंड में जितनी उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा. राधे राधे.